हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएल लिमिटेड शेयर के बारे में और इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स भी आउट हुए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके रिजल्ट्स किस प्रकार से आए थे। अगर नेट सेल्स की हम बात करते हैं तो नेट सेल्स में हम देख सकते हैं क्वार्टर फोर में 969 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल्स हमें देखने को मिली थी। वहीं अगर एक साल पहले देखें जहां 880 करोड़ रुपीज़ की हुआ करती थी, और वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें जहां 945 करोड़ रुपीज़ के अराउंड थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करते हैं तो यहाँ से लगभग हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 10% की तेज़ी सेल्स में देखने को मिलती है। 10% की ग्रोथ हमें नेट सेल्स में कंपनी की देखने को मिलती है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें यहाँ से भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए एबिटा की, तो एबिटा आप देख सकते हैं करंट में 154 करोड़ रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, जो एक साल पहले 133 करोड़ रुपीज़ के अराउंड हुआ करता था, और वहीं प्रीवियस क्वार्टर में ये 150 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू एबिटा में भी कंपनी की ग्रोथ नज़र आ रही है। और वहीं हर क्वार्टर के साथ कंपनी के जो रेवेन्यू है और एबिटा की बात करें तो हर बार इम्प्रूव हो रहा है हर क्वार्टर के साथ में। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनीज होती हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि हर क्वार्टर के साथ में कंपनी की जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज़ कर रही है, कंपनी का जो एबिटा है वो इम्प्रूव करता जा रहा है। तो इस तरीके की कंपनीज़ को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो क्वार्टर फोर में 84 करोड़ रुपीज़ के अराउंड में है, और वहीं एक साल पहले की बात करें जहाँ 50 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था, और वहीं प्रीवियस क्वार्टर की बात करें जहाँ 63 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कमाल की तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर ईयरली बेसिस पर हम बात करें तो यहाँ से लगभग हमें 73% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ओवरऑल मिला के बताया जाए तो ईपीएल लिमिटेड जो शेयर है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा शेयर है और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। और आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखे तो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स है दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस शेयर को मैंने पहले भी कवर किया था, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में हमें कमाल की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं जो इससे पहले जो स्टॉक था वो इसी ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, इसी पर स्टॉक सपोर्ट दिखा रहा था और ऊपर की जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो आप देखने को मिला कि यहाँ से भी स्टॉक में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से भी रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया और बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से स्टॉक निकला और आप देख सकते हैं जो स्टॉक का जो लेवल आ रहा है वो लगभग 160 रुपीज़ के अराउंड में आ रहा है ब्रेकआउट का लेवल। तो यहाँ से जब स्टॉक निकला तो 192 रुपीज़ के करीब जो स्टॉक है वो चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ने रैली दिखाई है। और अभी की अगर हम बात करें तो करंट पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर फोर के नतीजे हैं वो भी बहुत शानदार आए हैं। तो इसमें इस एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है, या तो ये स्टॉक हमें नीचे की तरफ दिखे 180 रुपीज़ के अराउंड में, अगर मिलता है यहाँ से 180 या 170 रुपीज़ के अराउंड में मिलता है स्टॉक, तो यहाँ से हमें हम दोबारा इसमें एंट्री करने की सोच सकते हैं। बट अभी के लिए अभी जो स्टॉक है काफ़ी ऊपर निकल चुका है, फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं। स्टॉक 200 रुपीज़ का जो लेवल है इसको निकाले और सस्टेन करे, देन फिर वहाँ से हमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है आप देख सकते हैं इसके लिए एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 रुपीज़ का जो लेवल है स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं पे जो 200 रुपीज़ का जो लेवल था स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस था, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने इस लेवल से रिजेक्शन दिखाया और वापस से 190 रुपीज़ के करीब में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक के लिए एक मोमेंटम तब आएगा दोस्तों जब भी स्टॉक ये 200 रुपीज़ के ऊपर निकल जाए। कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी शानदार आए हैं और आप देख सकते हैं कि अगर 200 रुपीज़ के ऊपर निकलता है स्टॉक और सस्टेन करे तो यहाँ से हम जो फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं अपने 220 रुपीज़ के ले सकते हैं, ये फर्स्ट टारगेट है। और इसके बाद अगर 220 रुपीज़ का जो लेवल है स्टॉक काटता है, देन स्टॉक में हमें जो नेक्स्ट टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे 240 रुपीज़ के देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, इस स्टॉक को रडार पे ज़रूर रखें। वीकनेस की अगर बात की जाए तो स्टॉक में वीकनेस हमें दोस्तों देखने को मिलेगी, अगर 180 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक में वीकनेस भी देखने को मिलेगी और फिर दोबारा से स्टॉक हमें 160 रुपीज़ के लेवल दिखा सकता है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।